राजस्थान में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 12 घंटे में 25 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं बात करें दौसा की तो यहां भी कोरोना का पहला पॉजिटिव सामने आया है, जबकि ईरान से लाए गए 3 भारतीय यात्री भी पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले सुबह टोंक जिले में भी 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में भी RUHS में भर्ती 7 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर जिले में भी 2 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। प्रदेश भर में सामने आए पॉजिटिव केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ऐसे में राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 158 तक पहुँच गया है। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं। लोकेश, अगर देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन 2-3 दिनों की बात करें तो 20 से 25 का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या तीसरे चरण में पहुंचने की संभावना लग रही है समय? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का प्रदेश में कहर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर आशंका लगाई जा रही है कि अब तीसरे चरण में यानी कि राजस्थान ने पैर रख दिया है। जिस तरह से आज कोरोना के अब तक 25 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान से लाए गए भारतीयों में भी 3 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आने की सूचना हमारे पास आई है अभी। और जिस तरह से कुल अब तक 28 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में आज सामने आने के बाद के इसको मिलाकर कुल 158 कोरोना के पॉजिटिव है वो मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह से बात करें तो बीकानेर, उदयपुर, दौसा में आज नए रिपोर्ट केस है वो सामने आए हैं। उदयपुर में 4 कोरोना के पॉजिटिव आज जो सामने आए हैं। वहीं बीकानेर में 2 जो तबलीगी जमात के लोग थे वो कोरोना के पॉजिटिव सामने हैं। दौसा में भी जो 1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया है वह भी तबलीगी जमात का ही है। और इसी तरह जयपुर में जो आज 7 नए कोरोना के जो केस सामने आए हैं वो भी तबलीगी जमात से आए हुए हैं, जो 6 महाराष्ट्र और 1 झारखंड के नागरिक हैं। इसी तरह लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है उसी तरह लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं संदिग्धों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तबलीगी जमात के जो लोग प्रदेश की जनता के संपर्क में आए थे उनको भी आइसोलेशन में रखा जा रहा है ताकि उनमें संक्रमण ना फैले, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार स्क्रीनिंग में लगा हुआ है। करीब 4 करोड़ से अधिक लोगों की अब तक स्क्रीनिंग कर चुका है, और अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी के इनके एक बार स्क्रीनिंग की जाए, उसके बाद में नॉर्मल जो जाँच है वो शुरू की जाए ताकि जो संदिग्ध मरीज है उनकी जान पहचान जान हो, और जो रिपोर्टेड केसेज आए जो कोरोना के पॉजिटिव केसेज आए उनके तुरंत इलाज शुरू किया जाए। इसी तरह लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें जिस तरह से भीलवाड़ा में हालांकि पिछले 4 दिनों से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है जो एक बड़ी अच्छी बात कही जा सकती है। वहीं भीलवाड़ा में अब तक 26 कोरोना के पेशेंट आए थे, उनमें से 17 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, जो भी एक प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के लिए एक अच्छी खबर है। इसी तरह बात करें जयपुर में भी अब तक इनके जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए उनके उपचार किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके इलाज जारी है। और जिस तरह से प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभाग के अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और SP को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना कंट्रोल करने के लिए। लोकेश, अगर देखें तो ये तबलीगी जमात के लोगों से संपर्क में आने के बाद अगर हम देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे और कहीं ना कहीं प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा था, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि ये तबलीगी जमात के संपर्क में लोग आ रहे हैं तब से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है अब। जी बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि तबलीगी जमात के लोग जैसे ही प्रदेश में आए उनके अब तक कुल बताना चाहूँगा कि अब तक कुल 24 तबलीगी जमात के जो लोग हैं रोज वो कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं उनसे संपर्क में आने वाले 12 टोंक के जो नए आज के सामने आए हैं वो उन्हीं तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आने के बाद में पॉजिटिव हुए हैं, जो एक प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसी तरह से प्रदेश के अन्य अलग अलग क्षेत्रों में जो तबलीगी जमात के जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके संपर्क में आने वालों की जो सूची है वो तैयार की जा रही है ताकि उनका पता लगा जा सके कि वो किन किन से संपर्क में आए और कौन कौन जो संदिग्ध कोरोना के हैं वो उनमें हैं, उनको भी आइसोलेट करने की कोशिश तैयारी की जा रही है ताकि वो संक्रमण को रोका जा सके। लोकेश, आप इन पर नजर बनाए रखिए क्योंकि लगातार अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।